शीतल सिंह, पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी, ये योगी जी ने भी माना अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास और विपक्ष की साजिश से ये नतीजा आया, और केशव प्रसाद मौर्य, संगठन बड़ा होता है। इन दोनों बयानों का मुझे मतलब समझाइए हर्षवर्धन जी, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए मानक जी, इसमें कोई ज्यादा रहस्य नहीं है, समझने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अप्रत्याशित परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी जो सोच के बैठी थी वो बिल्कुल नहीं हुआ। अब सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या हो, एक तो ये कि आपको समझ में आ जाए तो बड़ा अच्छा है भाई, और मैं तो बड़ा इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि 7 साल की सरकार के बावजूद अगर सपा बसपा के अधिकारी आपको हरा दे रहे हैं तो सचमुच आप सरकार में रहने के योग्य नहीं। ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जब ये कहता है, और ये कोई छिपी हुई बात थोड़ी नहीं, जिसकी सरकार होगी वो अपना तंत्र बनाएगा, अपने अधिकारी बनाएगा, आप नहीं बना पा रहे हैं तो ये आपकी कमी है। लेकिन जो इसका दूसरा पहलू है, केशव प्रसाद मौर्य भी तो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो सरकार का हिस्सा है, और संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन जब सरकार आ जाती है तो सरकार में सबसे बड़े नेता को ही बिठाया जाता है। अब इन दोनों बातों को ठीक से समझिए, संगठन सबसे बड़ा होता है लेकिन जब सरकार आ जाती है तो जो सबसे बड़ा नेता होता है वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, और जाहिर है उसके साथ संगठन सरकार का तालमेल है क्या? बिना किसी संकोच के मैं ये कह सकता हूं, और कोई भी जो सामान्य समझ रखता है उत्तर प्रदेश में, रेल की पटरी जैसे भाजपा का संगठन और सरकार चल रहे हैं। रेलवे की पटरी होती है ना, चलते साथ ही साथ हैं, हर प्लेटफॉर्म पे साथ साथ पहुंचते हैं, लेकिन कभी भी वो मिलते नहीं है, यही स्थिति है। और चूंकि ये कार्यक्रम ऐसा था, प्रदेश भर से लोग आए थे, प्रदेश कार्य समिति है, तो उसमें आप संगठन के पक्ष में बात करते हैं तो नेता के तौर पर आपकी छवि भी थोड़ा होती है। और आजकल पता नहीं ये कितना सच है, ये वाला तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अभी मुझे एक लखनऊ के मित्र ने बताया कि केशव जी तो आजकल कार्यालय वगैरह भी नहीं जा रहे हैं। अब वो भी नहीं समझ में आ रहा है कि केशव मौर्या और ब्रजेश पाठक कार्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं। अब यहां जो उसका दूसरा पहलू है, भारतीय जनता पार्टी में अगर स्कोर सेटल करने की कोशिश होगी, देखिए 41% कोई छोटा मत प्रतिशत नहीं होता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी का जो मूल नैरेटिव है वो हारा होता, वो खराब हुआ होता, तो भाजपा 9-10 सीट की पार्टी हो जाती है, 33 सीट नहीं जीतती है। आपको सीट वाइज अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत, मुलायम सिंह यादव जहां पार्टी को नहीं पहुंचा पाए थे वहां अखिलेश यादव ले जाकर खड़ा किए, अगर आप उसको नहीं देखना चाहते तो यह आपके लिए मुश्किल है। मुझे तो फिलहाल ये साफ साफ दिख रहा है। आपने कहा संगठन बड़ा होता है लेकिन संगठन का सबसे बड़ा नेता मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन जब योगी जी को सीएम बनाया गया था, क्या वो वाकई संगठन के सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में थे? नहीं नहीं, वो संगठन के नेता ही नहीं थे। योगी आदित्यनाथ भले 5 बार के सांसद हैं लेकिन कभी भी वो भारतीय जनता पार्टी संगठन में नहीं थे। हर्षवर्धन जी, यही तो सवाल है, सारा नहीं, सवाल नहीं। ही यही है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर उनको पार्टी संगठन ने तय करके मुख्यमंत्री बनाया, 2017 में उनको बनाया गया था लेकिन 2022 में उनके चेहरे पर चुनाव हुआ है। सीटें भले घट गई हो भारतीय जनता पार्टी की लेकिन उनके चेहरे पर पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि अब संगठन अलग है, सरकार अलग है, वो संगठन में थे नहीं, वो कार्यालय में जाते नहीं थे, वो तो मठ के मठाधीश हैं। भाई आपने ही तय करके बनाया है ना, हाँ। इसीलिए तो बनाया था कि जाति खत्म हो जाएगी। पर हर्षवर्धन जी एक बात बताइए, जब इस तरह के बयान आएंगे बार बार तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा ही ये कहने का कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, कुर्सी के लिए खींचतान चल रही है, नतीजे खराब आने के बाद बगावत हो गई है, समीक्षा बैठक में देख लीजिए खुलकर इस तरह की बातें हो रही है, ये तो कहेंगे फिर विपक्ष वाले? मानक जी, विपक्ष को तो कहना ही चाहिए, और विपक्ष क्या, किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी ऐसी चीज मिलेगी तो उसको लेकर दूसरा राजनीतिक दल लाभ की स्थिति बनाने की कोशिश आपका करेगा। आपका विश्लेषण क्या है, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोई तैयारी, कोई प्लान है, क्या ऐसी कोई चर्चा है क्या? मेरी जो जानकारी है, फिलहाल ऐसी जानकारी दूर दूर तक नहीं, न कोई योजना है न कोई कोशिश है। जो लोग, जिनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के बहुत, जिसको कहते हैं ना कि अथॉरिटेटिव शासन की वजह से उनके अधिकार कम हो गए हैं, जिन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं अरे हम तो संगठन में बरसों से रहे, हम संगठन के व्यक्ति हैं, फिर भी हमारी वो एक गुंजाइश जो बन रही थी हम उधर नहीं पहुंच पाए, वो लोग इस समय चूंकि उनको लगता है नहीं, हर्षवर्धन जी, आदित्यनाथ पर हमला कर रहे हैं। नहीं, अब तो संजय निषाद कह रहे हैं ना कि इसी अथॉरिटेटिव रवैये की वजह से सीटें कम हुई हैं,
खुद योगी जी भी कह रहे हैं अति आत्मविश्वास से सीटें कम हुई हैं, इसका मतलब योगी जी का मॉडल कुछ अब उसकी चमक फीकी पड़ रही है क्या? क्या वो बैकफायर कर रहा है क्या? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी अनुमान लगा लेना एक चुनाव से, और ये बड़ा कुछ ज्यादा ही सामान्यीकरण हो जाएगा। ये कांग्रेस सपा के लोग कहें तो ठीक है, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, पत्रकार के तौर पर मुझे साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। 35 सीटों पर आ जाना उसके लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन जिस जगह पर वो खड़ी है बीजेपी के लिहाज से देखें, वो बहुत, जिसको कहते हैं ना कि मजबूत स्थिति में है। अब अगर एक दूसरे के सर पर यह हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश होगी तो वो स्थिति खराब होगी। फिलहाल योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की कोई योजना नहीं, जो मेरी जानकारी। ओके, अब शीतल सिंह।